नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अयोध्या से है। थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नारे में दुष्कर्म में वांछित अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त प्रकरण में संबंध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पीड़िता के चाचा मनोज कुमार ने क्या कहा, आइए देखते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए अयोध्या से ब्यूरो शरण तिवारी की रिपोर्ट। मनोज कुमार लड़की के चाचा हूँ और ये घटना 15 तारीख की थी, 1 बजे से 4 बजे तक। तो जो घटना घटी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ जो सही सब कुछ किया और जितना मदद थी प्रशासन ने मेरे साथ अभी तक लगातार करती चली जा रही है और उम्मीद है कि आगे भी करती रहेगी। थोड़ा सा उसमें कमी आ गया लेकिन उसके भी साथ प्रशासन ने पूरा सब कुछ जो करना था प्रशासन ने किया। तो बाकी जो दो महिला कांस्टेबल थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और वो रिपोर्ट आने के बाद सारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब उसके बारे में तो हमने भी बात पता है कहाँ तक आरोप लगा है। पीड़िता नहीं सही है, मुझे बोलिए ना। जी सही है। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक पूरी कार्रवाई हो चुकी, जो होना था वो हो गया है, सब हो गया। संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, संतुष्ट है, एकदम पूरी तरह संतुष्ट। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा, कोई उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ मैं, मुझे प्रशासन से मतलब है। मेरे साथ जो प्रशासन ने किया मैं प्रशासन से ताल्लुक हूँ, प्रशासन जो कहता है मैं उनकी सुनता हूँ। क्या ऐसा लगता है कि जो उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे? पीड़िता की क्या स्थिति है और इस समय कहाँ पर है? तो पीड़िता इस समय महिला अस्पताल में है, अयोध्या में, अयोध्या जिले के। क्या नाम है आपका और क्या रिश्ता है? मनोज कुमार है, लड़की के चाचा।